बेंगलोर में तंदूरी पराठा मिलना रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा है, तो बस रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल गया। अगर मुझे कभी कभी सोचता हूँ कि फूड ब्लॉगिंग के बहुत फ़ायदे हैं यार, खाने को मिलता है और ब्लॉग ही बन जाता है। आई लाइक माई जॉब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर डायरीज। सो आज मैं आया हूँ कमल रेस्टोरेंट और यहाँ पे रिव्यू करूँगा फूड का, नॉर्थ इंडियन फूड का, स्पेशली नॉर्थ इंडियन फूड का। और ये जो रेस्टोरेंट है वो अभी न्यूली ओपन हुआ है, तो जब मैं बैंगलोर आया था दिल्ली से, अच्छा, तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडियन फूड मिस करता था, तंदूरी पराठा, छोले कुलचे, छोले भटूरे, कढ़ाई पनीर और पनीर टिक्का वगैरह, तो ये सब चीज़ें बहुत मिस करता था मैं। तो आज मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास, जिसकी जो लोकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोकेशन देख चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। और जब मैं दिल्ली जाता था तो मैं फूड तो बहुत इन्जॉय करता था, बट सबसे ज़्यादा मिस करता था बैंगलोर के वेदर को। अच्छा, तो बैंगलोर का वेदर तो मैं दिल्ली लेके नहीं जा सकता, बट बैंगलोर में दिल्ली जैसा फूड अवेलेबल हो सकता है, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिस्ट आपको दिख रही होगी अभी राइट कॉर्नर पे, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम टेस्ट करेंगे कुछ तंदूरी पराठा और छोले कुलचे और बहुत कुछ लाइक कढ़ाई पनीर और पनीर टिक्का, जितना हम खा पाएंगे उतना सब कुछ चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे आना मस्ट है कि नहीं। रिव्यू है, मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी वाइफ दरक्षा कटेरिया, तो ये भी मेरे साथ देंगे क्योंकि मैं इतना तो खा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए इनको लेके आया हूँ कि भाई ये भी अपना इनपुट दें। गोलगप्पा कैसा है यहाँ का, और यहाँ पे गुड़ वाली चाट है और देख रहे होंगे आप, और पानी भी मस्त है। तो अभी हम करते हैं, अभी मैं खाता हूँ गोलगप्पे और बताता हूँ आपको कि गोलगप्पा यहाँ का कैसा है। नाइस, डिलीशियस भाई, एकदम क्रंची, और जो सॉल्ट का अलग ही मजा है, सॉल्ट के साथ पानी के साथ खाना अलग ही मजा है। वाओ, तो अभी आया है हमारा छोला कुलचा, और भाई क्या डेकोरेशन किया है यार, वाओ वाओ। कुलचा काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये हमारा आया है तंदूरी पराठा, तो तंदूरी पराठा जो आया है वो है दही के साथ, और ये है हमारी ग्रेवी। तो अभी हम टेस्ट करते हैं छोले कुलचे और मैं बताता हूँ ये छोले कुलचे कैसे हैं, दिल्ली जैसा स्वाद है कि नहीं, दिल्ली नहीं अमृतसर जैसा स्वाद है कि नहीं। तो वाओ, तो ये किया हमने अपना, प्याज के साथ तो मज़े ही अलग है यार। वाह 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 वाह, डिलीशियस है यार सच में। जो कुलचे की जो क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत सॉफ्ट है। जो छोले हैं ना, वाह मज़ा आ गया यार। या है ये निकालता हूँ मैं इधर। वाह भाई एक नंबर। तो अब आधी जो ओपनिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा
तंदूरी पराठा, ये देखो यार। तो अभी हमारा तंदूरी पराठा, ये देखो तंदूरी पराठा यहाँ पे मिलना यार। तो अभी हम करते हैं और खाते हैं तंदूरी पराठे को, और बताता हूँ कि तंदूरी पराठा कैसा है। मुझे तो नॉर्मली दही से बहुत अच्छा लगता है, बट इन्होंने सब्जी दी है, तो जिसे सब्जी से खाना है सब्जी से खा सकता है, मुझे तो दही से सबसे अच्छा लगता है। डिलीशियस भाई, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। How was the food? It was delicious. पराठा कैसा लगा भाई? कितने टाइम बाद खा रही हो? लास्ट टाइम मुरथल में खाया, लास्ट टाइम इसने मुरथल में खाया था मन्नत ढाबे पे, और आज बैंगलोर में फर्स्ट टाइम। बस रियली बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। और छोले कुलचे मैंने पंजाबी बाग में खाए थे दिल्ली के, और उसके बाद आज मैं खा रहा हूँ छोले कुलचे। का छोला भटूरा भी बहुत अच्छा है यार, क्योंकि छोले भटूरे का मैंने ऑलरेडी खा चुका हूँ और ब्लॉग बना चुका हूँ, तो छोले भटूरे इस मील में मैं ऐड नहीं करता, बट छोले भटूरे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि छोले भटूरे में मेन होते हैं छोले, और आज मैं खा रहा हूँ नान। और अभी हमारा भाई लेके आया पनीर टिक्का। वाह, अभी मैं मॉर्निंग में था, भाई ने स्पेशली पनीर टिक्का बनाया है मेरे लिए। तो भाई कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। हाँ यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से। अरे गोरखपुर योगी जी के जगह का है भाई ये, तो सब तो अच्छा बनाया होगा 100%। तो अभी हम टेस्ट करते हैं पनीर टिक्का। तो अभी हम करते हैं पनीर टिक्का को टेस्ट, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। और अगर मैं किसी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में जाऊं और पनीर टिक्का न खाऊं तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना तो अधूरा है सब कुछ। शाहरुख खान भूल गया भाई मैं, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अल्टीमेट, मज़ेदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है पनीर टिक्का। यही नहीं अभी और सुनिए। तो अभी हमारा आ गया है मटर पनीर। वाओ, और गार्लिक, गार्लिक नान। अभी हमारा आ गया है गार्लिक नान और मटर पनीर। तो अभी हम टेस्ट करते हैं मटर पनीर को और बताता हूँ कि मटर पनीर कैसा है। और ये है हमारी सैलेड, और ये है हमारा कुलचा, और ये पारी हो रही है, पारी हो रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत घिसा पोटा का वो है जोक ना, कोई नहीं, ये हमें दादा रखते हैं। यह डेकोरेशन का फैन हो गया, डेकोरेशन बहुत अच्छे से करते हैं। ये गार्लिक नान, अभी हम खाते हैं गार्लिक नान और मैं आपको दूंगा जेन्युइन रिव्यू। पनीर और जो बटर नान है वो बहुत अच्छा है। तो ये बटर गार्लिक नान के साथ मैंने मटर पनीर ट्राई किया था, और वेरी डिलीशियस है, बहुत अच्छा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हो या जिगनी के पास रहते हो या पनरगट्टा रोड पे रहते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का और गार्लिक नान। लास्ट में अब अपनी बारी है कुछ स्वीट्स की, तो अभी मैं खाता हूँ गुलाब जामुन। वाओ, कभी कभी सोचता हूँ कि
फूड ब्लॉगिंग के बहुत फायदे हैं यार, खाने को मिलता है और ब्लॉग ही बन जाता है। आई लाइक माई जॉब। अभी मुझे ना आगरा का पीठा दिखा है, वो भी लेने वाला हूँ मैं और वो भी खाने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे आप आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हमारा मिठाई का कारीगर हमने स्पेशल दिल्ली से अरेंज किया है, तो उन्होंने आज मलाई गुल्ला बनाया है। तो नया आइटम अभी बना रहे हैं, जो भी है मैं बोला हूँ कि दिल्ली साइड का जो भी आइटम है आप बनाइए, तो आप प्लीज़ ज़रूर आइए यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिए। देखो भाई कितना अच्छा ऑनर है, पहली बार आओगे कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। बोलना हम वीडियो देख के आए तो डिस्काउंट भी दे देंगे। और अभी मैं खाता हूँ लच्छा रबड़ी। मैं खा रहा हूँ मलाई गुल्ला। वाह भैया कौन सा कारीगर भाई, सुपर एकदम सॉफ्ट बना है और शक्कर एकदम कम है, चीनी की मात्रा बहुत कम है। डायबिटीज का कोई चिंता नहीं है, आ जाना ठीक है भाई। तो ओवरऑल यार बहुत अच्छा था, अभी मेरा पेट बहुत भर चुका है, घर पे जाके मैं सोऊंगा भैया। और आपको कोई घेवर खाना है तो आप जरूर आइए, मलाई रबड़ी घेवर यहाँ पर मिलेगा। और क्या बच्चे की जान लोगे, जल्दी से आओ। कमल रेस्टोरेंट है जो कि एपीसी सर्कल के पास है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास, और 20 किलोमीटर से, अगर आपके घर से 20 किलोमीटर भी है, 30 किलोमीटर भी है, फिर भी आ जाना। आप रिग्रेट नहीं करोगे कि यार इतनी दूर से आए और अच्छा खाना नहीं मिला। तो आपको एक ही रेस्टोरेंट में सब कुछ मिल जाएगा, स्वीट्स मिल जाएगी, कढ़ाई पनीर मिल जाएगा, चाट मिल जाएगी। अरे यार चाट तो रहेगी, चलो किसी और दिन चाट ही मिल जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं, चाट ही मिल जाएगी, पनीर टिक्का भी मिल जाएगा। और अभी बिल की बारी है भाई, पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी करते हैं इनका बिल। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करो। और बताओ यार अपने घर के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास जिगनी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, और वहाँ पे आप आ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ, मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में, कोई ऑर्डर करना हो तो। हाँ, और ये बल्क ऑर्डर भी लेते हैं और कैटरिंग भी करते हो? कैटरिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह सब कुछ करते हैं। तो अगर आप बर्थडे पार्टी में बुक करना चाहते हो तो इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करके बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।